स्टूडेंट्स, आप देखते हो कि हम बहुत सारे काम करते हैं अपने घरों में, जैसे कि हम घर में काम करते हैं, मम्मी बहुत सारे काम करती है और किसकी हेल्प से करती है, मशीनों की हेल्प से करती है। जैसे किचन में मिक्सी का यूज़ करती हैं, फ्रिज का यूज़ करती हैं, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का यूज़ करती हैं, एसी, कूलर, हम बहुत अपने घर हमारे अपने घर में बहुत सारी मशीनें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, जिसकी हेल्प से हम अपने काम को फटाफट और जल्दी कर लेते हैं, ताकि हम अपने उससे अपने एनर्जी और टाइम दोनों को सेव करते हैं। तो ऐसी एक मशीन है कंप्यूटर। ये क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है ये लैटिन भाषा के वर्ड कंप्यूट से बना है। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना। तो कंप्यूटर जो है ये आजकल बहुत यूज़ किया जाता है, तो हर जगह कंप्यूटर का यूज़ होता है। आप देखते हो कंप्यूटर का यूज़ हम अपने घर में करते हैं, स्कूल में करते हैं, हॉस्पिटल में करते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारे शॉप में हम देखते हैं कंप्यूटर का यूज़ होता है, मॉल्स में, बड़े बड़े मॉल्स में कंप्यूटर का यूज़ होता है, बैंक में कंप्यूटर का यूज़ होता है, हर उसमें कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि हम वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की जानकारी के लिए, डिफेंस के लिए, बहुत जगह पे हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। आजकल कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे हमें कंप्यूटर नहीं दिखाई देता है। क्यों? अब ये देखो कि जब कंप्यूटर, हर जगह कंप्यूटर नज़र आता है, तो इसमें कंप्यूटर में क्या ऐसी क्वालिटी है, कंप्यूटर की क्या ऐसी विशेषताएँ हैं जो हम कंप्यूटर का इतना यूज़ करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर एंड यूजेस ऑफ द कंप्यूटर। अभी यूजेस ऑफ द कंप्यूटर में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के क्या यूज होते हैं, कहाँ कहाँ पे हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे हम घर पे क्या काम करते हैं, घर पे बच्चे उसमें गेम खेलते हैं, टाइपिंग करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, और मम्मी पापा जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, टिकट रिजर्वेशन करते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि हम कंप्यूटर में क्या क्या काम करते हैं। फिर है स्कूल में। अब आप जब स्कूल जाते हो तो आप देखते हो ना, स्कूल में आपकी फीस किससे जमा होती है? कंप्यूटर पे जमा होती है। कंप्यूटर पे आप कंप्यूटर लैब जाते हो, कंप्यूटर पे काम करते हो, और आप स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटीज होती है, आप देखते हो कंप्यूटर का यूज़ होता है। प्रोजेक्टर के द्वारा आपको कंप्यूटर में सिखाया जाता है, PPT दिखाई जाती है, बहुत सारे वीडियोस हम दिखाते हैं। तो उसके बाद कंप्यूटर में जो जितने भी टीचर्स हैं, स्टाफ है, स्टूडेंट है, उन सबका रिकॉर्ड स्कूल में किससे रखा जाता है? कंप्यूटर से रखा जाता है, ताकि ये डिलीट ना हो और हम इसमें बहुत टाइम तक इसको यूज़ कर सकें। तो ये हमारे कंप्यूटर के यूज़ थे जो स्कूल में करते हैं। फिर ऑफिस में भी डेटा को सेव, इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए, शेयर करने के लिए हम ऑफिस में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। बैंक में मनी, पैसे का हिसाब किताब रखने के लिए, और जितने एम्प्लॉयज हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए। हॉस्पिटल में आप देखते हो, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो सबसे पहले हमारी प्रिस्क्रिप्शंस बनती है वो किससे बनती है? वो भी कंप्यूटराइज बनती है। उसके बाद हमारे जो टेस्ट होते हैं वो सब कंप्यूटर पे किए जाते हैं। तो पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए, पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ का रिकॉर्ड रखने के लिए, सब चीज़ों का किस में रिकॉर्ड रखते हैं, कंप्यूटर से ही सारा काम होता है। फिर आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बहुत सारी जगह कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में क्या ऐसी विशेषता है जो हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ है स्पीड। कंप्यूटर बहुत हाई स्पीड से काम करता है। आप कोई भी कंप्यूटर में काम करवा दो, इतनी हाई स्पीड से काम करता है जैसे आपने किसी को मैसेज सेंड किया है, अपने किसी भी रिलेटिव को, दोस्तों को, किसी को भी आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप कंप्यूटर से करोगे उसे, तो वो बहुत ही कुछ ही सेकंडों में उसके पास पहुंच जाएगा और वहां से वो रिप्लाई देगा, वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। एक्यूरेसी मतलब 100% काम करना। कंप्यूटर का काम जो होता है 100% होता है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती है कि कंप्यूटर में हमने जो भी काम किया हमारे को बिल्कुल 100% यकीन होता है कि जो भी हमने काम किया वो बिल्कुल 100% है। हम अपने कैलकुलेशन पे कभी डाउट कर सकते हैं, पर जो भी हम अगर कंप्यूटर पे करते हैं तो हमें पूरा विश्वास होता है कि बिल्कुल सही है। फिर इसकी है थर्ड, इसकी क्या है, ये भी इसकी स्ट्रेंथ है, स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की जो स्ट्रेंथ है, स्टोरेज कैपेसिटी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें बहुत सारे डेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। जो भी हम काम करते हैं, देखो आप स्कूल में जाते हो, ऑफिस में देखते हो, बहुत सारी फाइल्स होती हैं उसमें, तो जो भी हमारे काम उसमें रिकॉर्ड होता है सब कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर में बहुत सारे हम रिकॉर्ड रख सकते हैं। अगर कंप्यूटर ना हो तो बहुत सारे ढेर लग जाएगा फाइलों का। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कैपेसिटी होती है उसको स्टोर करने के लिए। वो हम दो तरीके से स्टोर कर सकते हैं, एक तो इंटरनली और एक एक्सटर्नली। इंटरनली का मतलब जो कंप्यूटर के अंदर कैपेसिटी होती है, जैसे हार्ड डिस्क में जितनी कैपेसिटी होती है हम उसमें उसको स्टोर कर सकते हैं।
उसके बाद जो होती है हम सेकेंडरी, हम कंप्यूटर के अलावा बाहर भी हमारे पास बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जैसे पेन ड्राइव है, सीडी, डीवीडी, इन सब में हम अपने जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रख सकते हैं। फिर हमारे पास ये वाली क्वालिटी है वर्सेटैलिटी, यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो डिफरेंट टाइप के काम कर सकती है। सिर्फ कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो बहुत सारे तरह के काम कर सकती है। हम कंप्यूटर में देखो, सबसे पहले बच्चे इसमें गेम खेल सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं, बड़े लोग इसमें कोई भी चीज़ अपने ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, रिजर्वेशन कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो वगैरह, तो बहुत सारे काम हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर वर्सेटाइलिटी है, इसकी वर्सेटाइल मशीन है जो बहुत डिफरेंट काम कर सकते हैं। कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसके अंदर वर्सेटाइलिटी हो बहुत सारे काम। नहीं तो आप देखते हो कि अगर वॉशिंग मशीन है तो सिर्फ वो कपड़े धोने का काम करती है या उसे वो सुखाती है, पर कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे काम करने की क्वालिटी होती है। फिर है हमारे पास ऑटोमेटिक, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो ऑटोमेटिकली काम करती है। जैसे हमने प्रिंटर में 100 पेज दिए, 100 पेज हमने इसको, हमने जो भी काम किया हमारे कंप्यूटर की मॉनिटर पे हमारे को उसको स्क्रीन में दिखाई दिया, और हमने उसका अगर प्रिंट आउट निकालना है तो हम कमांड में क्या करेंगे, 100 कॉपी पेज डालेंगे, सॉरी 10 पेज डालेंगे, कितने पेज हम डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक के बाद एक पेज निकल के आते हैं, यानी कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली काम करते हैं। फिर है, ये तो हमारी स्ट्रेंथ ही कंप्यूटर की, अब हम यहाँ पे देखेंगे वीकनेस, कंप्यूटर की क्या वीकनेस है। सबसे पहले नो IQ, ये इसके मतलब ये एक कॉमन फैक्टर है कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर के अंदर कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, अपना कोई IQ नहीं होती, अपनी कोई समझ नहीं होती कि वो उसे क्या काम करना है। सिर्फ कंप्यूटर काम करता है हमारे यूजर के इंस्ट्रक्शंस पे, जैसे हम कंप्यूटर पे काम कराते हैं, जैसे भी हम कंप्यूटर पे काम करने की करेंगे वैसे ही कंप्यूटर काम करेगा, अपने आप उसे नहीं समझे कि उसे क्या काम करना है, तो इट इज डिपेंड ऑन यूजर इंस्ट्रक्शंस। फिर है नो फीलिंग्स, कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर इज द नॉन लिविंग थिंग्स, कंप्यूटर एक नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और किसके बेस पे काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी पर, यूजर के इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और इसमें स्ट्रेंथ हमने देखी कंप्यूटर की स्ट्रेंथ, और यहाँ पे वीकनेस देखी हमने कंप्यूटर की, कंप्यूटर की क्या स्ट्रेंथ है, किस वजह से कंप्यूटर इतना यूजफुल है, क्यों कंप्यूटर भी इतना यूज करते हैं हम कंप्यूटर का, क्योंकि इसमें बहुत सारी इसकी क्वालिटी है। फिर वीकनेस देखो कंप्यूटर की, ये वीकनेस है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और अब आपको होमवर्क है इसमें, तो हमारा होमवर्क है इसमें आपने लिखना है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के इतने पॉइंट आपने लिखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके 1, 2, 3, 4 पॉइंट है, इसमें स्ट्रेंथ आपने लिखनी है, और यहाँ पे आपने वीकनेस लिखनी है कंप्यूटर की, सिर्फ कंप्यूटर की बहुत कम वीकनेस है, 1 या 2, ठीक है। ये भी कोई वो, इसको आप अपनी कॉपी पे करेंगे, और नेक्स्ट डे हमारा टॉपिक को स्टॉप भी करेंगे।